कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। कहानी क्या होगी और किस लेवल पर बनाई जाए, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या साउथ की सभी फिल्में सुपरहिट होती हैं, जैसे कि आजकल पुष्पा, केजीएफ 2 और आरआरआर जैसी सुपरहिट साउथ फिल्में मिथ बना दिया है। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहले तेलुगु सिनेमा की पुष्पा और आरआरआर, फिर कन्नड़ जैसी फिल्म की केजीएफ 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस में समेत दुनिया भर में जबरदस्त कमाई करके सफलता के नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। खासकर आरआरआर और केजीएफ ने तो हजार करोड़ क्लब में एंट्री लेकर सबको एकदम हैरान ही कर दिया। कोरोना के बाद जहां सिनेमा की कामयाबी को लेकर हर कोई चिंतित था, ऐसे में इन दोनों फिल्मों की कामयाबी ने आने वाली दूसरी फिल्मों के मेकर्स और स्टार्स को भी हौसला बढ़ाया है कि अगर इस फिल्म में कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ऑडियंस इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जरूर आएगी, चाहे वो कुछ भी हो, कोरोना हो या कुछ और हो। KGF 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 400 करोड़ से ज्यादा कमाई करके नया इतिहास रचा दिया है, वहीं RRR ने भी हिंदी में 270 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की, जबकि पुष्पा ने बिना किसी खास प्रमोशन के हिंदी में 100 करोड़ क्लब में एंट्री की। इन तीनों फिल्मों की ग्रैंड सक्सेस को देखते हुए हिंदी फैंस में साउथ की फिल्मों का काफी क्रेज नजर आ रहा है और साउथ फिल्मों को सफलता की गारंटी मानी जा रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साउथ के सितारे कोई हिट फिल्मों में मशीन नहीं है कि इनकी सारी ही फिल्में हिट होती हैं। और पिछले कुछ महीनों पर बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं, जिसमें प्रभास की राधे श्याम, थलपति विजय की बीस्ट, चिरंजीवी और रामचरण की आचार्य, ऐसे ही दमदार कंटेंट लेकर इन्हीं सभी फिल्मों का सीक्वल भी आ रहा है, जिसमें पुष्पा 2, KGF 3, RRR 2 शामिल है। लेकिन आज बात होगी KGF 3 की, जो कि एक बड़े लेवल पर बनाई जा रही है, जिसकी शूटिंग बाहर की 2 कंट्रीज में होगी, जिसमें अमेरिका के 2 शहर और इंडोनेशिया के 3 शहर शामिल हैं। और अमेरिका की शूटिंग इसी साल अक्टूबर के महीने में शुरू की जाएगी, जहां पर अमेरिका की पुलिस रॉकी को पकड़कर जेल में डालेगी और वहीं से KGF 3 की कहानी शुरू होगी। इंटरवल के पहले पहले रॉकी अपनी सारी हिस्ट्री अमेरिकन पुलिस को सुनाएगा कि कैसे उसने 16 कंट्रीज पर राज किया। फिर उसी सीक्वेंस में 16 कंट्रीज की पुलिस का वॉरेंट भी रॉकी अमेरिकन पुलिस को दिखाया जाएगा। लेकिन अमेरिका ही क्यों रॉकी को पकड़ पाए या रॉकी अभी भी कोई चाल चल रहा है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहें। धन्यवाद।